बैक्टीरिया और वायरस दोनों ही लोगों के बीच बीमारियां फैलाने के कारण बदनाम है, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है? ये बीमारियां क्यों फैलाते हैं? क्या सारे बैक्टीरिया और वायरस बीमारियां फैलाते हैं? और जर्म्स क्या होते हैं? इन सभी के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया बहुत छोटे जीव होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। सेल वो चीज है जिससे सभी जीवों का शरीर बना है। जैसे हमारा शरीर लगभग 30 ट्रिलियन सेल्स से बना है, तो ये बैक्टीरिया जीने के लिए बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट्स अपने आसपास के पर्यावरण से लेते हैं। कई बार ये इंसानी शरीर होता है जब ये बैक्टीरिया शरीर में घुस जाते हैं। बैक्टीरिया अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया तो हमारे शरीर के अंदर ही हमारी आंतों में रहते हैं, जो डाइजेशन में मदद करने के साथ बुरे बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। कुछ बैक्टीरिया दवाइयाँ और वैक्सीन बनाने में मदद करते हैं, जबकि बुरे बैक्टीरिया किसी शरीर में घुसने के बाद ज्यादा संख्या में बढ़ने लगते हैं और टॉक्सिन्स बनाने लगते हैं, जिससे उस शरीर में टेटेनस, टीबी, निमोनिया जैसी कई बीमारियां हो जाती हैं। एंटीबायोटिक्स की मदद से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक किया जा सकता है। वायरस क्या होती हैं? वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे जीव होते हैं जो किसी सेल से नहीं बने होते, बस प्रोटीन कोटिंग से पैक्ड डीएनए या आरएनए होते हैं। किसी इंसान, जानवर या पेड़ पौधे के अंदर ही जिंदा रह सकते हैं, इनके बाहर वो कुछ समय ही जिंदा रह पाते हैं। वायरस अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। अच्छे वायरस बुरे बैक्टीरिया और वायरस को मारने में मदद करते हैं। बुरे वायरस किसी शरीर में घुसकर उसके सेल्स को कंट्रोल कर लेते हैं और मल्टीप्लाई होकर अपने जैसे कई सारे वायरस बनाते हैं, जिससे सेल्स चेंज, डैमेज या किल हो जाते हैं और कोल्ड, फ्लू या एड्स जैसी बीमारियां हो जाती हैं। एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर पाती। जर्म्स क्या होते हैं? जर्म्स उन सभी जीवों से कहते हैं जो बीमार कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और प्रोटोजोआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।